और बहुत ज्यादा किच कर रही है, इसको मन कर रहा है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम, आप सभी का स्वागत है रफ्तारम ब्लॉग्स में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह सुबह के टाइम है और हमारे आप सभी के लिए प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों देखिए, अभी रफ्ता जी यहाँ पर खाना बना रही है, आलू छील करके देखिए, ये देखिए आलू छील करके रेडी कर दिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, प्याज और फ्लोर, ये तेल रख रही है अभी। सो दोस्तों देखिए अभी सो भी रख रही है फ्राई करने के लिए रफ्ता जी, और बहुत ज़्यादा किच कर रही है, इसको मन कर रहा है ना। और देखिए दोस्तों, और एक बार वहाँ पर सोयाबीन फ्राई किए और एक बार यहाँ पर पूरा फ्रूट फ्राई कर रही है अभी, बहुत ज़्यादा तेल में खर्चा करती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर फ्रूट फ्राई करके रेडी कर दिए और निकाल रही है अभी, और फ्रूट फ्राई होकर के तो रेडी हो गया है। और दोस्तों फ्रूट निकाल दिए अभी यहाँ पर फ्राई करके, और तेल को बहुत खर्चा कर रही है, जा रहे हैं अभी तेल रखने के लिए, भीतर घर में रख दे रहे हैं नहीं तो। और ठेकेदार पैसा देने का नाम नहीं रह रहा, मजदूरी कर रहा है डेली बाई डेली पर पैसा नहीं आ रहा है, और तेल और आ जाएगा तो खाएंगे क्या, यही पता नहीं चला। और दोस्तों देखिए हमारे रफ्ता जी के किचन में आ गए अभी, क्या क्या रख लिए रफ्ता जी आप? सूखी मिर्च रखी और जीरा रख करके प्याज रख रही है अभी। तो दोस्तों देखिए रफ्ता जी आलू रख करके भूज रही है अभी, तो अभी फ्लोर आलू का सब्जी बन रहा है, और देखिए वहाँ पर कैसा दिख रहा है, और उसमें फ्लोर भी रख दे रही है अभी। दोस्तों रफ्ता जी बोल रही है कि रात में बहुत ज़्यादा पानी भरने लगा, क्यों भरने लगा रफ्ता जी? बारिश का मौसम है तो पानी नहीं भरेगा। और दोस्तों क्या ही बोलूँ, अभी बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है, रात के समय में पड़ रहा है अभी, ठीक है, पर दिन के समय में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी हैं और मजदूरी करने जाते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे दोस्तों? ये आलू और सोयाबीन और क्या है परोर, यही तरकारी बन रहा है हमारा सब्जी। और क्या बोलूँ दोस्तों, टाइम भी नहीं है अभी, रफ्ता जी उधर आलू परोर और सोयाबीन का सब्जी बना रही है। सो दोस्तों देखिए रफ्ता जी उधर अभी पानी रख रही है, और क्या करेंगे रफ्ता जी से आप? सो दोस्तों देखिए रफ्ता जी अभी डाक दिया है, क्योंकि जल्दी ही खोल जाएगा, और पूरे बाप है ना जो उसके भीतर हिंगलोर मारेगा ना, तो जल्दी की ही सब्जी बन करके रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों 5 मिनट लगेगा हमारा सब्जी बनने में, और हमारा सब्जी बन करके रेडी हो जाएगा 5 मिनट के बाद में। और दोस्तों देखिए हमारा सब्जी बन करके रेडी हो गया है, आपका किचन में कुछ भी नहीं था आज, इसीलिए आलू परोर और सोयाबीन का सब्जी बना दी है रफ्ता जी। और देखिए दोस्तों कैसा, कितना अच्छा दिख रहा है और कितना मस्त दिख रहा है। और दोस्तों जा रही है रफ्ता जी अभी खाना खाने के लिए, हाँ रफ्ता जी, हाँ जी। तो जाइए रफ्ता जी अंदर में, कि यहीं पर रहने दीजिए ना, नहीं हो जाएगा यहाँ पर, गैस के पानी पड़ने से यहाँ पर पानी आता है, नहीं तो हम लोग का किचन यहीं पर रहता है, और वहाँ से तो पानी गिर रहा था, तो मैं ऊपर जा करके बंद कर दिए हैं। रफ्ता जी जा रही है खाना खाने के लिए, दोस्तों जा रही है, आप सभी को भी दिखा दे। सो दोस्तों देखिए हमारा कुकर में भात है चावल, और रफ्ता जी हमारे लिए काव रही है, और बहुत ही चावल कम बनाइए रफ्ता जी आप, बहुत ही कम चावल बनाइए रफ्ता जी, आप क्या खाएंगे? गैस हो रहा था तो क्या करेंगे इतना, ये इतना कम चावल बनाइए, तो हम बना लेंगे क्या, घंटा बना लेंगे, और गैस हो रहा जाएगा तो इसको दिमाग ही नहीं है दोस्तों, क्या बोले, गैस नहीं है एक तो, और एक बार में सर खाना नहीं बनाती है, बार बार बनाती है खाना, और गैस हो रहा जाएगा तो मैं तो चला जाऊंगा मजदूरी करने के लिए, आइए क्या खाएगी, कैसा इंसान है यार, कुछ समझ नहीं आता है। अभी गैस भी इसी तरह आप चल रहा है, और यहाँ पर हमारा खाना काट करके रेडी कर दिया है, और इनके लिए तो क्या बोलो, चावल सामल कुछ भी नहीं है, बात थोड़ा ही है, और दोपहर में क्या खाएगी मुझे पता नहीं है, और मैं खा करके जा रहा हूँ अपने साइड पर काम करने के लिए। सो दोस्तों खाना खा कर रफ्ता जी रेडी कर दिए, और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा करके प्रेस करिए, और हमें सपोर्ट करिए। सो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।